तो देखो, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में डिस्कस किया था, इनकम्प्लीट रह गया था। मैं आज वापस से क्विकली आपको रिवाइज करवा देता हूँ हमने क्या पढ़ रहे थे इसके बारे में। तो एक बार वापस से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं इसके बारे में। तो ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या बताया था मैंने, देखिए ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपके क्या है, ऑर्बिट्स है। ये क्या है आपकी ऑर्बिट्स। मैंने आपको क्या बताया, जब भी इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाता है तो यानी कि वो कौन सी स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापिस उसी स्टेट में वापिस आता है, और इस स्टेट को जो इसकी अपनी स्टेट होती है उसको हम कौन सी स्टेट बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, इसको वापिस क्या करनी पड़ती है, एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आउटर ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा, इनर ऑर्बिट में एनर्जी क्या, कम। जब भी आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो इसको एनर्जी को क्या करना पड़ता है, लूज करना पड़ता है, ठीक है, रिलीज करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंसी, इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जब जंप करना होता है, दिस स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। इस स्टेट को हम कौन सी स्टेट बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। और व्हेन फ्रॉम दिस एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन जंप बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट और लोअर एनर्जी, इट एमिट फोटोन ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी द पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। तो इलेक्ट्रॉन आपका क्या करता है, जब आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप करता है, या हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जंप करता है, या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करता है, तो वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, यानी कि फोटोन रिलीज करता है एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के, एक पर्टिकुलर एनर्जी के। सर बफरिंग हो रही है, तो मैं आपको बता रहा था जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, हमेशा जब इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, एनर्जी बाहर से लेनी पड़ती है, और जब आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आता है तो वो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, यानी कि फोटॉन्स की फॉर्म में। तो सिंपल सी बात है, और जो जब इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाता है, ये जो आउटर ऑर्बिट में गया इलेक्ट्रॉन, इसको कौन सी स्टेट बोलते हैं हम, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। कौन सी स्टेट बोलते हैं, एक्साइटेड। और ये जो इसकी अपनी स्टेट थी, जो अपनी ऑर्बिट थी, उसको हम कौन सी स्टेट बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। देखो इसको बताने का तरीका क्या है, यहाँ पे वही लिखा है, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी का मतलब आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और उस स्टेट को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। व्हेन फ्रॉम दिस एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन जंप जब फॉल बैक टू ग्राउंड स्टेट और लोअर एनर्जी, इट एमिट फोटोन ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी। तो मैंने क्या बताया, जब इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाता है तो एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से जाता है, और ये कौन सी स्टेट में चला जाता है, ग्राउंड स्टेट में। और जब इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट से अपनी सॉरी व्हेन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है, जहां आप ऐसे भी बोल सकते हो हाई एनर्जी टू लोअर एनर्जी जाता है, जहां आप कैसे बोल सकते हो एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट, कोई भी तरीके से बोलोगे तो ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, यानी कि फोटोन क्या करेगा, रिलीज करेगा एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का, जहां एनर्जी एनर्जी किसके साथ लिखते हैं, ई इज इक्वल टू एच न्यू। व्हाट इज न्यू, न्यू इज फ्रिक्वेंसी। बात समझ आ रही होगी। अकॉर्डिंग टू बोहर थर्ड पॉस्टुलेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन, बोहर का थर्ड पॉस्टुलेट क्या कहता था, एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है, ई टू माइनस ई वन होती है। यानी कि ई टू का मतलब क्या, सेकेंड ऑर्बिट, ई वन का मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्बिट। E2 का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आउटर ऑर्बिट माइनस इनर ऑर्बिट की एनर्जी। आउटर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, इनर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इसलिए जब भी एक इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट जंप करेगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, कितनी एनर्जी को रिलीज करेगा, एच न्यू। और ये एच न्यू की वैल्यू कितनी होगी, एच न्यू विल बी इक्वल टू, क्योंकि ई को हम एच न्यू लिख सकते हैं, किसके बराबर होगा एच न्यू आपका, ई टू माइनस ई वन। ये था आपका बोहर का थर्ड पॉस्टुलेट। और हमने कल जाने की लास्ट लेक्चर में और क्या डिस्कस किया था हमने, वो देखिए, हमने एनर्जी को फाइंड किया था। एनर्जी का हमारे सामने फॉर्मूला क्या आया था, E इक्वल्स टू टू पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेस पावर फोर अपॉन एम स्क्वायर एच स्क्वायर। ये हमने लास्ट टाइम क्या किया था, एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव किया था। अब देखिए हमारे सामने क्या आ गया है, हमारे सामने बोहर मॉडल आपका बोहर का जो थर्ड पॉस्टुलेट है उसके मुताबिक है एच न्यू इक्वल्स टू ई टू माइनस ई वन है, और साथ में इसके साथ साइन नेगेटिव होता था। साइन कौन सा होता था इसके साथ, नेगेटिव, ये भी बात याद रहे। अब देखो हम ई वन और ई टू की वैल्यू पुट करेंगे,
एच न्यू इक्वल टू ई टू, ई टू क्या होगा आपका 2π² एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेस पावर 4 अपॉन जहां पे एन स्क्वायर लिखा हुआ है। एन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, देखिए एन स्क्वायर का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट और एन, ये देखिए ये ना एन, ये कौन सी किसकी बात करता है, ऑर्बिट की, कौन सी नंबर ऑफ ऑर्बिट की बात हो रही है। तो हम यहां पे लिखेंगे एन की जगह क्या लिखेंगे, एन 1² पर ये आप पे ई टू है, ई टू है तो यहां पे फर्स्ट ऑर्बिट की जगह क्या लिख दूंगा मैं, सेकेंड ऑर्बिट लिख दूंगा, क्या लिखूंगा एन टू का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, साथ में साइन कौन सा है माइनस का, फिर ये फॉर्मूले वाला माइनस आएगा एक, फिर उसके बाद ये फिर से एक और बार आपको ई टू ई वन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्या आएगी माइनस सेम माइनस 2π² एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेस पावर 4 अपॉन ई वन है, ई वन की जगह क्या लिख दोगे अब, तो ई वन के लिए आप क्या लिखोगे एन वन का स्क्वायर एच स्क्वायर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछना अभी। और एक और बात बताओ मुझे, क्या न्यू ये न्यू का फॉर्मूला ये नहीं होता क्या, आपको पता है न्यू इक्वल टू सी वाई लैम्डा होता है, और तो जब मैंने आपको बताया था आपको ड्यूल नेचर के बारे में पढ़ाया था, सी क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और लैम्डा क्या होती है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ। तो मैं न्यू को क्या लिख सकता हूँ सी अपॉन लैम्डा लिख सकता हूँ इक्वल टू। अब ध्यान से देखना इन स्टेप में, किसी को अगर डाउट है तो फटाफट अभी पूछ लो मैसेज करके, जहां पे 2π² एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेस पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर, यहाँ पे और यहाँ पे ये वैल्यू क्या है कॉमन है सेम है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लूंगा मैं कॉमन ले लूंगा, तो देखिए मेरे पास बाहर क्या आ जाएगा ध्यान से देखें 2π² एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेस पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर कॉमन है, तो इधर क्या बचेगा अंदर माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर, और इधर बाहर माइनस था और अंदर भी एक क्या है माइनस है, तो माइनस क्या बचेगा यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये बचा हमारे पास। दिस इंप्लाइज एच को और सी को दूसरी तरफ भेज दो, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू, ब्लैक पेन यूज करते हैं, क्या बचेगा लैम्डा ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा 2π² एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेस पावर 4 आपने h और c दूसरी तरफ भेजा, तो यहां क्या आ जाएगा नीचे क्या आ जाएगा एक और h आ गया, पहले h स्क्वायर था क्या हो जाएगा h क्यूब हो जाएगा, और c भी क्या आ जाएगा नीचे, लैम्डा इधर ही रहने दिया हमने, और इधर क्या बचेगा हमारे पास 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन वन का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 1 अपॉन लैम्डे को हम लिखते हैं न्यू बार इक्वल्स टू 2π² एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेस पावर 4 अपॉन एच क्यूब सी इन टू, इसको रेंज करके लिख दो एन वन का स्क्वायर माइनस एन टू का स्क्वायर। ये जो न्यू बार है ये होता है आपका वेव नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं क्या पढ़ते हैं इसको वेव नंबर, वेव नंबर। क्या यहां तक सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास न्यू बार कितना आ चुका है 2π² एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेस पावर 4 अपॉन सी एच क्यूब इंटू 1 अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर, ठीक है। वेयर न्यू बार क्या है आपका वेव नंबर होता है, जिसका मतलब क्या है वेव्स इन यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ के अंदर कितनी वेव्स आप आ रही हैं, एक यूनिट लेंथ के अंदर कितनी वेव्स आती हैं उसे हम बोलते हैं वेव नंबर। जी सारी वैल्यूज देखना ध्यान से 2π एम के ई सी एच, ये सारी वैल्यूज क्या होती है कॉन्स्टेंट होती है, इनकी फिक्स वैल्यू होती है, पता है तुम लोगों को पाई की वैल्यू फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की फिक्स है, के की वैल्यू 9×10⁻¹ है, ई की पावर आपकी कितनी होती है 1.6×10⁻¹, एच की प्लैंक कॉन्स्टेंट, सभी की वैल्यू आपको पता है,
इन सभी की वैल्यूज को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, ध्यान है एच की जेड की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे, जेड क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर, ये वेरी करेगा आपका एटम टू एटम, हाइड्रोजन होगा तो 1 होगा, हीलियम होगा तो 2 होगा, सोडियम होगा तो 23 होगा, इस तरह से इसकी वैल्यू वेरी करेगी जेड की अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो मैं इन सभी जब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मिलती है वो मिलती है 1.097 इंटू 10^7 मीटर इनवर्स, ये वैल्यू मिलती है। और ये वैल्यू होती है आर की, जिसको हम बोलते हैं रेवर्क कांस्टेंट, यानी कि ये देखना ध्यान से जिसको मैं मार्क करने लगा, ये वैल्यू, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इस पूरे के पूरे कांस्टेंट को मैं किसके साथ लिखता हूं, आर के साथ लिखता हूं, जिसको हम पढ़ते हैं क्या रेवर्क कांस्टेंट, ये लिखा हुआ आपका, स्पेलिंग लिख देता हूं इसका मैं आर वाई डी बी ई आर जी, रेवर्क कांस्टेंट, जिसको हम R के साथ लिखते हैं। और Z स्केयर बचा था, Z स्केयर का वैसा आ गया 1/N1 का स्केयर माइनस 1/N2 का स्केयर। और R की वैल्यू अभी मैंने बताई, जब वैल्यू सारी यानी कि R की वैल्यू क्या है 2π² m k² z² e^4 / c³³, इन सभी वैल्यूज को पुट करोगे तो आपकी R की वैल्यू कितनी आई जाएगी 1.097 × 10^7 मीटर इनवर्स होती है। याद रहे वेव नंबर का जो ये जो ना वेव नंबर, इसका यूनिट पूछे को ये तो क्या होगा मीटर इनवर्स होता है, क्यों, क्योंकि वेव नंबर किसके बराबर है 1/λ के बराबर, लैम्डा क्या होती है वेवलेंथ, वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स, 1/λ क्या है आपका वेव नंबर है, तो वेव नंबर का यूनिट क्या होता है मीटर इनवर्स, ध्यान रहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब जैसे हम बाकी पहले कर रहे थे ऐसे सेम इसके लिए करना है, हमने हाइड्रोजन एटम के लिए क्या निकालना है वेव नंबर निकालना है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए मतलब वेव नंबर निकालने का मतलब क्या, जेड वन की बात होगी, किसकी बात होगी z = 1 होगा तो मतलब कि न्यू इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, जेड वन पुट कर तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, इधर बचेगा r 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका हाइड्रोजन एटम की बात वेव नंबर निकालने की, जब 1/λ निकालने की, ये लास्ट डेरिवेशन थी जिसको हमने करना था। आगे आती है आपकी ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, सर स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस यही तो है जब आपका एक एटम के अंदर बहुत सारी ऑर्बिट्स हैं, जब आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो ये क्या करता है एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी एक किस्म की क्या है रेडिएशन है, क्या है रेडिएशन, तो ये एक पैटर्न बनाती है, क्या बनाती है एक पैटर्न्स बनाती है, किसका एनर्जी का, उसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल वर्ल्ड का मतलब ही क्या है, स्पेक्ट्रल वर्ल्ड का मतलब क्या स्पेक्ट्रम, जैसे आपने पढ़ा था स्पेक्ट्रम विवक्योर 10th में, सेम वैसे ही एक रेंज होती है यहां से लेकर यहां तक, कोई रेंज है कोई चीज की दी हुई, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मार्केट में जाते हो क्लोथ्स लेने तो वहां पे आपके पास रेंज होती है, भाई मुझे 1500 से लेके 2500 की रेंज में कपड़े खरीदने हैं बस, तो ये आपके पास आपका स्पेक्ट्रम है कपड़े खरीदने का, ऐसे ही एनर्जी का स्पेक्ट्रम होता है, इतनी रेंज ऑफ एनर्जी से लेके इतनी रेंज ऑफ एनर्जी को रिलीज किया जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा स्पेक्ट्रम हो जाएगा, ये वर्ड स्पेक्ट्रम का मतलब समझा रहा हूं बस और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा एक किस्म की क्या रहती है रेंज, जैसे हम विवक्योर की बात करते हैं तो उसको स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं विवक्योर, तो फर्स्ट विव और लास्ट क्या होता है आर, तो इसके अंदर कितने कलर्स आते हैं 5, 6 और 7 कलर होते हैं टोटल, तो ये स्पेक्ट्रम का थोड़ा सा आपको आइडिया मिला होगा। ये बेसिकली मैंने आपको समझाया क्या, जब कोई इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप कर रहा होता है तो एनर्जी रिलीज करता है यानी कि रेडिएशन रिलीज करता है, उन्हीं को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज बोलते हैं, तो जहां हम क्या बोल लेंगे बोहर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, आपके एग्जाम में ऐसे करके भी आता है। तो यहां पे 6 किस्म की सीरीज बनती है, कितनी किस्म की 6 टाइप्स की, इनको समझते हैं एक एक करके बहुत इजी है ये, ध्यान से समझना बस, कितना टाइम बचा है हमारे पास एक बार देख लेते हैं, चलिए फटाफट अटेंडेंस दो पहले सारे,
ओके, शिवानी भी प्रेजेंट है, ठीक है सेव कर दिया। चलो जी, अब देखो मैं क्या बोल रहा था, ये आपका कंप्लीट आइटम है, देखिए ध्यान से, ये आपका कंप्लीट एटम है। ये इसके अराउंड क्या बनाई हुई है मैंने, ऑर्बिट बनाई हुई है, जो रेड कलर में दिख रहा है ये आपका क्या न्यूक्लियस है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अमन देख लिया मैंने आपकी अटेंडेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो सेंटर में क्या आपका न्यूक्लियस है, और ये फर्स्ट ऑर्बिट है आपकी, फिर नेक्स्ट क्या होगी सेकेंड ऑर्बिट होगी, यानी कि ये क्या होगा एन इक्वल्स टू टू, ये एन इक्वल्स टू थ्री, ये एन इक्वल्स टू फोर, ये एन इक्वल्स टू, इस तरह से चलेगा। और स्पेक्ट्रल सीरीज समझने के लिए होता क्या है, स्पेक्ट्रल सीरीज समझने के लिए पहले सबसे पहले जो सीरीज आती है वो होती है बाल्मर सीरीज। कौन सी? बाल्मर सीरीज। सर क्या होती है बाल्मर सीरीज? जब भी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करे, उस समय जो रेडिएशन रिलीज होंगी, उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी वो कौन सी होगी आपकी, वो कौन सी किसके अंदर आएगी आपकी, बाल्मर सीरीज के अंदर आएगी। कब? जब आउटर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, जैसे मैंने सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में किया, बाल्मर सीरीज के अंदर आएगा। सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप किया, बाल्मर सीरीज में आएगा। थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप किया, बाल्मर सीरीज में आएगा। बात समझ आ रही होगी? इसी तरह से कोई भी बाहर वाली ऑर्बिट में से जब पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तब कौन सी सीरीज के अंदर आती है, ये कौन सी सीरीज बनती है आपके सामने देखने को मिलती है, बाल्मर। कौन सी? बाल्मर सीरीज। दूसरा, जब भी इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में से पहले सेकंड ऑर्बिट में जंप करे, कहां से? आउटर ऑर्बिट में से पहली, ये देखो दूसरी में से, सॉरी तीसरी में से पहली में किया, चौथी में से दूसरी में, क्या बोल दिया मैंने, रुको, तीसरी में से दूसरी में गया, फिर उसके बाद फोर्थ में से फिर से सेकंड में आ गया, फिफ्थ में से सेकंड में आया, ऐसे सिक्स्थ में से सेकंड में आएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करता है कहां से, कोई भी आउटर ऑर्बिट में से सेकंड ऑर्बिट में, कौन सी में, सेकंड में, देखो सेकंड में ही आ रहा है और नीचे नहीं जा रहा, तो ये कौन सी सीरीज बनाएगा, ये बनाएगा पाश्चन सीरीज। कौन सी सीरीज? पाश्चन सीरीज। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहां से, आउटर ऑर्बिट में से थर्ड ऑर्बिट में, ये फोर्थ में से थर्ड में आया, फिफ्थ में से थर्ड में आया, सिक्स्थ में से थर्ड में आया, कोई भी आउटर ऑर्बिट में से जब थर्ड ऑर्बिट में जंप करता है इलेक्ट्रॉन, तो हमें कौन सी सीरीज देखने को मिलती है, ब्रैकेट सीरीज। बात समझ आ रही होगी? पहले कौन सी देखने को मिली, बाल्मर, फिर कौन सी देखने, पाश्चन। ऐसे ये सीक्वेंस चलता रहता है। तो अब इनको आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा हो क्या रहा है। अब समझना बात को, हमारे पास ऐसे ही करके कितनी सीरीज है, देयर आर सिक्स सीरीज, नाम बताता हूं मैं। पहली है लेमेन, सॉरी उल्टा बता दिया था, लेमेन तो बताई नहीं, सुन लो बात, वापिस समझा देता हूँ। पहली कौन सी होती है, लेमेन सीरीज। दूसरी कौन सी होती है, बाल्मर सीरीज। दूसरी कौन सी होती है, बाल्मर सीरीज। तीसरी कौन सी होती है, पाश्चन सीरीज। इनको समझाऊंगा भी कैसे याद रखोगे। फोर्थ कौन सी होती है, ब्रैकेट सीरीज। फिफ्थ कौन सी होती है, स्टीफन सीरीज। एंड लास्ट कौन सी होती है, हम्फ्री सीरीज। कौन सी होती है, हम्फ्री सीरीज, ठीक है। फर्स्ट वाली मैंने मिस कर दी थी, मैंने डायरेक्ट बाल्मर बोल दी थी, तो करेक्शन यहां पे करवा रहा हूं मैं आपको। पहली कौन सी होती है आपकी, पहली होती है आपकी लेमेन सीरीज। दूसरी कौन सी होती है आपकी, बाल्मर। दूसरी कौन सी होती है आपकी, बाल्मर। तीसरी कौन सी होती है आपकी, स्टीफन। और चौथी कौन सी होती है आपकी, ब्रैकेट। फोर्थ कौन सी होती है आपकी, लेमेन होगी, बाल्मर होगी, पाश्चन होगी, फिर ब्रैकेट होगी, फिर पीफंड होगी, कितनी होगी, एक दो तीन चार पांच, और लास्ट होगी हम्फ्री, ठीक है। इसको याद कैसे रखना वो भी देख लो, इसके लिए ट्रिक बताता हूं मैं तुम लोगों को। लंदन, बहुत पुराना
बहुत पुराना है। तो पहला देखो लंदन, दो बार लंदन, बहुत पुराना है, ऐसे करके याद रख लो। तो लंदन सबसे पहले एल से शुरू होगी, यानी कि पहली कौन सी होगी, लेमन सीरीज। फिर बहुत बी है, यानी कि बालमर। फिर क्या है, पुराना, पुराना से क्या हो जाएगी आपकी फास्टन। फिर कौन सा, फिर से बी आ गया, बी से अब कौन सा आएगा आपका ब्रैकेट सीरीज। फिर से पी आ गया, पी से क्या हो जाएगी पिपन सीरीज। लास्ट कौन सा है से क्या हो जाएगी हम्फ्री सीरीज। अब सर देखो बी दो बार आया है, पी दो बार आया, तो कैसे याद रहेगा हमें, इजिली याद रहेगा, एल से तो लेमन सीरीज याद रहेगी। बहुत पहले आया है, तो पहले पहले पहला टर्म कौन सा आएगी, बालमर, बी ए है। सेकेंड अल्फाबेट क्या है, ए, ए पहले आता है, इस तरह से याद रहेगा आपको बालमर। दूसरी कौन सा है, फिर क्या है, पी से पुराना, तो पुराना से क्या है पास्टन, ये भी पी ए से शुरू होगा, ए अल्फाबेट से शुरू होगा, पी के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा, ए। तो पास्टन पहले तीसरे नंबर पे होती है, सीक्वेंस याद होना चाहिए आपको, सीक्वेंस आगे पीछे नहीं। फिर से बी आ गया बहुत, तो पहले बालमर हो गया, तो अगली कौन सी होगी, ब्रैकेट होगी, बी आर ए, तो कौन सी आ गई आपकी, ब्रैकेट सीरीज। फिर से पुराना, तो आपके पास्टन हो गया, तो पास्टन के अलावा क्या बचेगी, पिफंट बचेगी। लास्ट में है से एक ही सीरीज है हमारी हम्फ्री। जी आपको मैंने ट्रिक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको सीक्वेंस ज्यादा होना चाहिए। क्यों सीक्वेंस ज्यादा होना चाहिए, रीजन अभी पता चलेगा। लेमन सीरीज के केस में आउटर ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन जंप करता है फर्स्ट ऑर्बिट में, बालमर सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करता है आउटर ऑर्बिट में से सेकेंड ऑर्बिट में, पास्टन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करता है आउटर ऑर्बिट में से थर्ड ऑर्बिट में। फिर उसके बाद ब्रैकेट सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करता है आउटर ऑर्बिट में से फोर्थ ऑर्बिट में। फिर पिफंड सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करता है आउटर ऑर्बिट में से फिफ्थ ऑर्बिट में। लास्ट आपकी हम्फ्री सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करता है आउटर ऑर्बिट में से सिक्स्थ ऑर्बिट में। ये तरीका है आपको याद रखने का, बस ये सीक्वेंस ज्यादा है, कहानी खत्म। सीक्वेंस आगे पीछे हो गया बस गड़बड़ी करके, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ब्रैकेट बोल दिया था, वो तो समझाने के चक्कर में अटेंडेंस ले रहा था, ध्यान उधर चला गया था, इसलिए ध्यान दें आप। तो लेमन सीरीज क्या कहती है, बोहर्स मॉडल पोस्टुलेट, एक सेकेंड जब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं पेज को, हाँ। तो बालमर सीरीज क्या कहती है, इस सीरीज, ये सीरीज कब ऑब्टेन होती है, अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप टू फर्स्ट ऑर्बिट फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब एन वन की वैल्यू वन, और आउटर ऑर्बिट का मतलब एन टू की वैल्यू टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। तो यहाँ पे हमने अभी वेव नंबर निकाला था, न्यू बार इक्वल्स टू क्या था, आर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। एन वन की वैल्यू कितनी है, वन है, तो वन अपॉन वन हो जाएगा माइनस वन अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा। के क्यों, एन टू की वैल्यू हमने क्या मान ली, के मान ली। के टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे सुने, सेम चीजें होंगी, सेम स्टेटमेंट होगी सभी की। नेक्स्ट कौन सी है, वाल्मर सीरीज। इन दिस इलेक्ट्रॉन जंप टू सेकंड ऑर्बिट फ्रॉम कहां से, एनी आउटर ऑर्बिट। वेव नंबर निकालने का तरीका क्या होगा, आर वन अपॉन एन वन, एन टू की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, टू हो जाएगी। क्या फॉर्मूला होता है, वन अपॉन एन वन माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर, जहां पे एन वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी, टू का स्क्वायर अपॉन माइनस वन अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा। अब के की वैल्यू आपकी टू से शुरू नहीं होगी, थ्री से शुरू होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा आउटर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में, कौन सी ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, तो थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड, फोर्थ ऑर्बिट में से सेकेंड, इस तरह से। ओके, आवाज आ रही है ना सभी को, तो देखो मैं क्या बता रहा था, आवाज आ रही है तो एक बार सारे कमेंट करके बता देना मुझे। तो मैं क्या बता रहा था, इस केस में मैंने पहली जी चीजें समझा दी हैं फटाफट क्विकली मैं इसको, यस सर, ओके, तो क्विकली इसको मैं ठीक है सभी को आ रही है आवाज, ओके गुड, ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो बालमर सीरीज में मैंने सिंपल सी बात बताई कि आपका एन वन की वैल्यू कितनी होगी, टू होगी, और एन टू की वैल्यू आपकी क्या होगी, के आपका थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आउटर ऑर्बिट में सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है बालमर सीरीज में। ध्यान है, बालमर सीरीज किस रेंज में लाई करती है, विजिबल रेंज में। आपकी लेमन सीरीज किस में लाई करती है, अल्ट्रा वायलेट में, यूवी में। ये यूवी रीजन में आती है, ये विजिबल रीजन में आती है,
तीसरी कौन सी होती है? पास्टन सीरीज, मैंने ट्रिक बताई है याद करने की। इलेक्ट्रॉन जंप करता है थर्ड ऑर्बिट में कहां से? फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट। वेव नंबर निकालने का तरीका क्या होगा? न्यू बार इक्वल टू आर वन अपन क्या हो जाएगा इस बार? थ्री स्केयर माइनस वन अपन के स्केयर। के की वैल्यू कहां से शुरू होगी? फोर से। के इक्वल से क्या होगा? फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे करके चलेगा। द वैल्यू ऑफ न्यू बार लाइक इस केस में कहां पे लाइक करती है? इंफ्रारेड रीजन में लाइक करती है, पास्टन सीरीज की बात करनी हो। नेक्स्ट चलते हैं ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जंप करता कहां पे? फोर्थ ऑर्बिट पे फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट। आउटर ऑर्बिट कुछ भी हो सकती है, पांचवीं छवीं सातवीं आठवीं कुछ भी हो सकती है। एन वन की वैल्यू क्या होगी? फोर। और के की वैल्यू क्या होगी? सॉरी के क्या होगा आपका? फाइव सिक्स सेवन एट कुछ भी हो सकता है। फिफ्थ कौन सी होती है? पीफन सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन जंप करे फिफ्थ ऑर्बिट में से कोई भी फ्रॉम कहां से? फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट। कहां पे जंप करे? फिफ्थ ऑर्बिट में जंप करे कोई भी आउटर ऑर्बिट में से, तो कौन सी बनती है आपकी? पीफन सीरीज बनती है। ये भी कहां लाई करती है? इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। और हम्फ्री भी कहां लाई करती है? इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। इसमें भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जंप करता है सिक्स ऑर्बिट में फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? आर वन अपॉन सिक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन के स्क्वायर। के की वैल्यू कहां से शुरू होगी? सेवन से शुरू होगी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ये मैंने बातें आपको समझा दी, ये किस तरह से बनना है आप अपने से बना लेना, बस इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है। लास्ट आपका एनर्जी लाइट लेवल डायग्राम, समझ लेना इसको भी एक बार, इजी है ये भी बिल्कुल। एनर्जी लेवल डायग्राम क्या कहता है? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम। नो किसके लिए स्नेहा? एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है? डायग्राम विच रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी है? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट, अलग अलग स्टेशनरी ऑर्बिट में कितनी कितनी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो वाली डायग्राम जो रिप्रेजेंट करे, उस डायग्राम को हम बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ दैट एटम। ठीक है, नो डाउट। ओके, अब देखो यहां पे एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमने कल डिराइव किया था लास्ट टाइम, माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बताया था। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो जेड कितना हो जाएगा आपका? वन हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका? माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा फॉर हाइड्रोजन एटम। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दें, अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना होगा तो एन की वैल्यू वन होगी, तो नीचे क्या फॉर्मूला था इधर भी लिख देता हूँ एक बार मैं, माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू वन हो जाएगी तो हमारी एनर्जी कितनी आएगी? इतनी, जूम कर देता हूं, दिख रहा होगा आपको, जूम करके दिखाता हूं, ये देखिए। फिर उसके बाद सेकंड ऑर्बिट के लिए, इन सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी देखो कितनी होती है हाइड्रोजन एटम के केस में, टू फुट कर दो सेकंड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू, फोर हो जाएगा, फोर के साथ डिवाइड करना आपको ये मिलेगा। थर्ड के लिए थ्री पुट करना, नाइन हो जाएगा, नाइन के साथ डिवाइड करना आपको ये वैल्यू मिलेगी। फोर्थ ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू फोर हो जाएगी, फोर पुट करना 16 आएगा, 16 साथ डिवाइड करना ये आएगा। इसी तरह से करते रहना अप टू सेवंथ ऑर्बिट तक। सात ऑर्बिट के लिए हम जहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने वाले हैं, ध्यान दें आप डायग्राम को, बहुत सिंपल सी चीज थी। अब देखो यहाँ पे सीरीज बनेगी हमारी। देखो होता क्या है, मैंने क्या बोला था, लेमैन सीरीज। लेमैन सीरीज के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, कहां से जंप करता है? कोई भी आउटर ऑर्बिट में से जंप कर सकता है। और कहां पे आएगा? फर्स्ट ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी थी? 13.6, माइनस 13.6। और जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हो नेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है, यानी कि एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, नेगेटिव के हिसाब से बोल सकते हो। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ये फिफ्थ ऑर्बिट, ये सिक्स ऑर्बिट, आप देख रहे हो कितनी कंजस्टेड होती जा रही है ऑर्बिट, ऊपर जाके एनर्जी के हिसाब से कंजस्टेड हो रही है। एक्चुअल में ऑर्बिट कंजस्टेड नहीं होती, बहुत बड़ी होती जाती है। लेकिन जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं तो पहली ऑर्बिट ये है, उसके बाद एनर्जी का गैप देखो कितना आ गया, ये वैल्यू हमने निकालनी थी, पहले कितनी थी 13.6, बाद में कितनी आ गई थी देखो, कितनी एनर्जी आई थी सेकंड ऑर्बिट में, 3.4 होगी, 13 से सीधी 3.4 होगी, 3.4 से 1.5 होगी, 1.5 से 0.8 होगी, 0.8 से 0.5 होगी, बिल्कुल पास पास आ रही है, 0.3, 0.2, बिल्कुल पास पास। इसलिए ग्राफ ऊपर देखो कितना वो कंजस्टेड सा आया हुआ है हमारा। ठीक है,
तो कितने कंजस्टेड था ग्राफ बना था हमारा, ये देखिए, ये देखो ग्राफ बनाया हुआ हमने। तो यहाँ पे ये पूरा ऐसे करके ग्राफ बनाना, बिल्कुल कंजस्टेड लाइन आ जाएगी। यहाँ पे ये थी, फिर यहाँ पे ये इतना सा गैप है, उसके बाद धीरे धीरे बिल्कुल पास पास लाइनें बनेगी ये सारी की सारी। आपने पूरा ग्राफ बनाने आपको आता होगा, तो ऐसे करके बनाओगे तो अब देखो यहाँ पे कैसे सेकंड ऑर्बिट में से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप किया, थर्ड ऑर्बिट में से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप किया, फोर्थ ऑर्बिट में से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप किया, तो कौन सी सीरीज बनेगी? लेमन सीरीज बनेगी। सिमिलरली थर्ड ऑर्बिट में से सेकंड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में सेकंड ऑर्बिट में, फिफ्थ ऑर्बिट में से सेकंड ऑर्बिट में, तो कौन सी सीरीज बनेगी? बालमर सीरीज बनेगी। सिमिलरली फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड, फिफ्थ से थर्ड, सिक्स से थर्ड, तो पाश्चन। फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर फोर्थ की बात चलेगी, फिफ्थ से फोर्थ, सिक्स से फोर्थ, सेवन से फोर्थ, तो ब्रैकेट। फिर उसके बाद पीफंड की बात चलेगी, तो क्या होगा? सिक्स से फाइव, सेवन से फाइव, एट से फाइव, इस तरह से, तो कौन सी बनेगी? पीफंड। और लास्ट कौन सी होती है? हमफ्री। तो क्या होगा? सेवन से कौन सी? सिक्स, एट से सिक्स, नाइन से सिक्स, तो कौन सी? हमफ्री सीरीज। ये सारी कहानी होती है आपकी एनर्जी लेवल डायग्राम की। इस एक्सिस के ऊपर एनर्जी होती है और इस एक्सिस के ऊपर आप सीरीज की बात करते हो, कौन कौन सी सीरीज आपकी बन रही है। तो देख लो लेमैन सीरीज में कितनी एनर्जी का आता है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो उसके बाद एनर्जी रिलीज होना कम हो जाती होती आती है धीरे धीरे धीरे। ये सारी कहानी है आपकी एनर्जी लेवल डायग्राम की, और इसी के साथ आपका फर्स्ट सब यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। किसी को कोई कहीं भी डाउट है वो पूछ सकता है।